नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज का वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कितने दिनों में लिखा गया हमारा संविधान और संविधान से संबंधित कई ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे और हर भारतीय को ये बात ज़रूर जाननी चाहिए। तो पूरा वीडियो देखें ताकि आप अपने संविधान के बारे में, इसके वजन के बारे में और इसके बारे में कई बातें आप विस्तार से जान पाएं। चलिए शुरू करते हैं। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। खास बात तो यह है कि संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने अपने हाथों से लिखा है। इसके अलावा शांति निकेतन के चित्रकारों ने इसे अपनी सुंदर कला से सजाया है। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा पेशे से कैलीग्राफिस्ट थे। उन्होंने अपने दादा से कैलीग्राफी सीखी थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राय जादा को भारतीय संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। जब उनसे मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। भारत के संविधान को लिखने में राय जादा को 6 महीने लगे और इस दौरान 254 पेन की नीब का भी इस्तेमाल हुआ। ये नीब इंग्लैंड से मंगाई गई थी। संविधान लिखने के लिए राय जादा ने मेहनताना लेने से तो मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी थी। उनकी शर्त ये थी कि संविधान के हर पृष्ठ पर वो अपना नाम लिखेंगे और संविधान के अंतिम पेज पर वो अपने नाम के साथ अपने दादा का भी नाम लिखेंगे। भारतीय संविधान को लिखने के लिए पुणे से कागज मंगवाया गया था। इटैलिक शैली में लिखे संविधान में राय जादा ने एक भी गलती नहीं की थी। भारतीय संविधान की लंबाई 22 इंच और चौड़ाई 16 इंच है। भारतीय संविधान की लेदर वाइंडिंग की गई है। इस पर सोने की कारीगरी भी की गई है। भारतीय संविधान की मूल प्रति का वजन लगभग 4.25 किलोग्राम है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा हाथों से लिखा संविधान है। कुल 2000 संशोधन के बाद संविधान का वास्तविक स्वरूप सामने आया। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकार के अलावा मौलिक कर्तव्यों को भी रखा गया है। भारत का संविधान लिखने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस से मदद ली गई थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।